हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वच्छ होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। आप लोग दीपावली के लिए ढेर सारे शॉपिंग अप कर रहे होंगे, लेकिन मैं कुछ भी शॉपिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम दशहरा को जो हमको चाहिए था हम ले आए थे, इसी वजह से हम तो यहाँ पर दिवाली के लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो में बता देती हूँ और आप लोग अब थोड़ी सी बिजी होंगे तो इसीलिए शायद ज़्यादा वीडियो पर नहीं आ पा रहे हैं। चलते हैं, कोई बात नहीं, आप लोगों का जैसे मर्जी है, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ पनीर दो प्याजा। हाँ, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पर मैं जो पनीर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो पनीर बिल्कुल देसी पनीर है। मैं तो घर पर नहीं बनाई थी, लेकिन हम जो दूध वाला भैया होते हैं वो लेकर आते हैं, तो मैं आज इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। देखते हैं, मैं देखिए इस तरह पॉलीथिन में लेकर आते हैं, तो एक एक पनीर को एक 100 रुपया लेते हैं। तो आज मैं इसी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए। लोग पहली बार मेरे वीडियो पर आए हैं तो प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना, और वीडियो को फुल वॉच कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपकी फुल वॉच करने से हमको थोड़ी सी तसल्ली मिलेगा और हमें आगे जाने के लिए थोड़ी सी मदद मिलेगा, यानी हमारी वॉच टाइम जो हमको 4000 घंटा चाहिए आप लोगों की वजह से मिलेगा। आप लोग वीडियो को वॉच करने के बाद ही हमारी वॉच टाइम बढ़ेगा, तो इसी तरह आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और आगे लेकर चलिए। तो चलते हैं रेसिपी की तरह। पैन में डाल देंगे एक चम्मच ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद हम डाल देंगे उसमें प्याज। देखिए प्याज को मैंने थोड़ा सा एक एक पत्ता निकाल कर बड़े बड़े साइज में थोड़ा सा भून लेती हूँ। और प्याज भूनने के बाद हम उसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। प्याज को हम यहाँ पर ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, उसका कच्चापन बिल्कुल जाने नहीं देंगे। यहाँ पर देखिए थोड़ी देर फ्राई होने के बाद मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हम इसी पैन में फिर से एक हाफ चम्मच मैंने ऑयल डाला था, ज़्यादा ऑयल मैंने इस्तेमाल इस रेसिपी में नहीं किया क्योंकि थोड़ी सी मुझे अब घर में कम ऑयल वाले खाना बनाना पड़ रहा है, इसी वजह से मैंने पनीर को दोनों साइड सेक लिया। थोड़ी सी सेक लेती हूँ, थोड़ी सी दोनों साइड पनीर को सेक कर मैंने निकाल लिया। अब इसी तरह मैंने वो मेरे पास और थोड़ा सा पनीर बाकी था उसको भी सेक कर मैं निकाल लूँगी। आप लोग इस रेसिपी को तो बनाते होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल कम ऑयल से बना रही हूँ। आप लोग वीडियो को एक बार देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए। इस रेसिपी बच्चे से बड़े सब लोग आराम से खा लिए थे, सबको तो पसंद आई थी। इसी तरह मैंने सेक कर निकाल लिया पनीर को। आप लोग पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसी तरह मैं जिस तरह से की थी आप लोग इस तरह दोनों साइड थोड़ी सी कलर चेंज होने के बाद हम आप लोग उसको निकाल लीजिए प्लेट में। अब हमारी पनीर सेक कर रेडी हो चुका है, तो मैं देखिए इतना बिल्कुल कम ऑयल मैंने डाल दिया था, एक चम्मच ऑयल। उसमें डाल देंगे एक दालचीनी, जीरा, लौंग और दो हरी इलायची और जीरा चटकने दीजिए। उसके बाद हम डाल देंगे बारीक वाली कटी हुई एक बड़ा सा प्याज। प्याज को हम डालकर भून लेते हैं थोड़ी सी कलर चेंज होने के लिए। यहाँ पर देखिए प्याज को मैं धीरे धीरे भून रही हूँ, इसका बिल्कुल मीडियम आंच कर लीजिए गैस को। और प्याज भूनने के बाद हम डाल देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट डालने के बाद हम उसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे, यानी मसाला को कच्चापन जाने के लिए। हाँ, यहाँ पर मैंने एक चम्मच पानी डालकर उसको मैंने फ्राई किया था। उसके बाद यहाँ पर देखिए हल्दी पाउडर में और काश्मीर लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। यहाँ पर मैंने बिल्कुल मिर्च पाउडर इस्तेमाल नहीं किया था, आप लोग चाहें तो मिर्च पाउडर डाल दीजिए। मसाला को भुनने के बाद यहाँ पर टमाटो प्यूरी डाल दीजिए। टमाटो प्यूरी डालकर हम मसाला को अच्छी तरह भून लेते हैं ऑयल से सेपरेट होने के तक। मैं तो ज़्यादा ऑयल नहीं डाली थी, मेरा ऑयल भी आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर काजू का पेस्ट, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा पेस्ट बना लिया था क्योंकि मुझे
और एक रेसिपी के लिए चाहिए थी, इसी वजह से हम काजू पेस्ट डालने के बाद मसाला को हम बिल्कुल लो मीडियम आंच पर उसको हम फ्राई कर लेते हैं। मैं यहाँ पर फिर से एक बार पानी डाल दिया था मिक्सर जार को धोकर, क्योंकि मुझे मैं तो यहाँ पर बिल्कुल कम ऑयल डाली थी, इसी वजह से मुझे पानी डालना पड़ रहा है। और मसाला भुनने के बाद अब हम उसमें डाल देंगे पनीर। पनीर को डालकर हम उसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इस तरह हम पनीर को मिक्स करने के बाद हम उसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को डालकर हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। आप लोग एक बार बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए, बिना ऑयल में भी टेस्ट बना था, स्वादिष्ट भी बना था। यहाँ पर मैंने डाल दिया कस्तूरी मेथी, 2 हरी इलायची। आप कितनी तीखा खाती है इसी अनुसार सारी मिर्च पाउडर डाल दीजिए। मैं तो बिल्कुल मिर्च पाउडर इसमें नहीं डाली थी। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ी देर मैंने ढककर पका लिया था। आप लोग ज़्यादा ऑयल डालते होंगे तो यहाँ पर ऑयल आपको दिखाई देगा, लेकिन मैं तो ऑयल नहीं डाली थी, इसी वजह से आपको ज़्यादा ऑयल नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर गर्म पानी आप लोग ज़रूर गर्म पानी करके डालिए। ठंडा पानी डालने से हमारी पनीर थोड़ी सी चुई मुई हो जाती है, यानी थोड़ी सी ये रबर टाइप बन जाती है। इसी वजह से आप गर्म पानी डाल दीजिए। और यहाँ पर देखिए, हमारी पनीर दो प्याजा बनकर रेडी हो चुका है। लास्ट में हम डाल देंगे गरम मसाला और ढक्कन लगाकर फिर 1 मिनट हम उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारी पनीर दो प्याजा बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग एक बार ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। आज मैं लंच में बना लिया था, बिल्कुल सुंदर लंच हमारे घर में आज बनी थी। तो चलते हैं देखने के लिए मैं क्या क्या आज बनाकर रेडी किया था खाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारी पनीर दो प्याजा कितनी सुंदर दिख रहा है। आप लोग एक बार बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना था हमारी पनीर दो प्याजा कम ऑयल से। आज मैंने बनाई थी दाल चावल और पनीर दो प्याजा। शान तो बिल्कुल खुश होकर खा लिया था। आज सारी रेसिपी शान की फेवरेट डिश था। यहाँ पर कच्चे केले और आलू की भजा। अब मैं इसका दो फूल की परा हमारी घर में आज बनी थी। तो आप लोगों को हमारी लंच की थाली पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब हम सब लंच करने के बाद मैं आ गई हूँ आपके साथ थोड़ी सी बात करने के लिए, और बात कर लूँगी उसके बाद फिर एडिटिंग करूँगी और आपके अपलोड भी करूँगी। तो आज मैं जो रेसिपी बनाया आप लोगों को जरूर पसंद आएगा, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए। आप लोगों को पसंद आए तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। आज का वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।